दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर दो नहीं बल्कि तीन बड़ी खबरें यहां पर निकलकर आई है, जिसके बाद से आज के दिन ट्राइडेंट के अंदर हमें अपर सर्किट तो लगते हुए देखने को मिला ही सही, लेकिन उसी के साथ ट्राइडेंट लिमिटेड टॉप वॉल्यूमर्स में भी शामिल हो गया है। जी हां दोस्तों, ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर आज हमें एनएससी और बीएससी के अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम बेस्ड काम देखने को मिला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं उन तीन बड़ी न्यूज की जो ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ से निकल कर आई है। उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड का ट्रेडिंग चार्ट मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है, जिसमें आज के दिन हमें अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल चुका है और कल के दिन भी मैंने आपको इसके लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ से जो अपडेट्स निकल कर आई थी वो भी कवर करी थी। साथ ही साथ अगर आप एनएसई के अंदर ट्राइडेंट लिमिटेड की वॉल्यूम बेस्ड काम को एनालिसिस करेंगे तो आज के दिन हमें ट्राइडेंट लिमिटेड की एनएसई में लगभग 9 करोड़ 6 लाख क्वांटिटी ट्रेड होते हुए देखने को मिली है, जिसके सामने 3 करोड़ 29 लाख क्वांटिटी डिलीरेबल बेस पर उठाई गई है। यानी कि आप देख सकते हैं डिलीरेबल बेस क्वांटिटी का परसेंटेज कितना ज्यादा यहां पर बढ़ चुका है और यहां पर रिटेल इन्वेस्टर ही नहीं बल्कि जितने भी बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं वो भी इस शेयर के अंदर बहुत ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड के अंदर जो चार बड़े फंड हाउसेज हैं, जिसमें मोतीलाल ओसवाल के दो बड़े फंड हाउस यहां पर काफी अच्छा दबाकर माल बैठे हैं। ट्राइडेंट लिमिटेड के अगर आप यहां पर टॉप वॉल्यूमर्स को भी आज देखेंगे जिसके अंदर आपको आज सबसे ज्यादा वॉल्यूम बेस्ड काम देखने को मिला, तो सबसे पहले नंबर पर वोडाफोन आइडिया, सेकंड नंबर पर जोमेटो, थर्ड नंबर पर यस बैंक और फोर्थ नंबर पर ट्राइडेंट लिमिटेड आपको देखने को मिल चुका है। यानी कि वॉल्यूम बेस्ड काम भी ट्राइडेंट के अंदर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। इन्हीं सबके बीच में ट्राइडेंट लिमिटेड जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ही सिर्फ 9,147 करोड़ रुपए का है, वो रिटेल इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बन चुका है, क्योंकि यहां पर ट्राइडेंट लिमिटेड के डिविडेंड और साथ ही साथ ट्राइडेंट लिमिटेड के एनुअल जनरल मीटिंग से रिलेटेड भी अपडेट्स यहां पर कल ही के दिन निकल कर आ चुकी है, जिसमें ट्राइडेंट लिमिटेड की जो 31st एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है वो 27 अगस्त 2021 को होने वाली है और 27 अगस्त 2021 के ठीक 30 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में जो ट्राइडेंट लिमिटेड का फाइनल डिविडेंड कंपनी ने यहां पर डिक्लेयर करा है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यदि आप भी अगर ट्राइडेंट लिमिटेड के डिविडेंड के लिए एलिजिबल हैं तो आप भी यहां पर अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपको यहां पर शानदार रिटर्न्स तो मिलने ही वाले हैं, लेकिन उसी के साथ में कंपनी ने जो फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया था 36 पैसे पर शेयर का, वो भी आपके बैंक अकाउंट के अंदर अब बहुत जल्दी क्रेडिट होने वाला है। इसी के साथ अगर हम कंपनी को फंडामेंटली भी चेक करें तो कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग यहां पर निकल कर आ रही है। कंपनी कंटिन्यूअसली बेसिस पर अपने डेब्ट को रिड्यूस भी कर रही है और साथ ही साथ डिविडेंड पेआउट रेशियो की भी अगर बात करें तो ट्राइडेंट लिमिटेड का डिविडेंड पेआउट रेशियो भी काफी शानदार है। इसी के साथ जैसा कि आपको पता है कि ट्राइडेंट लिमिटेड के क्वार्टर वन के रिजल्ट आना अभी पेंडिंग है और उसके पहले ही हमें इसके अंदर काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो ट्राइडेंट लिमिटेड के जो क्वार्टर वन के रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी शानदार है, क्योंकि जो मंथली बेसिस पर सेल्स के रिकॉर्ड निकल कर आए हैं जो कि ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, उसमें भी शानदार नंबर्स हमें देखने को मिले हैं। और इसी के साथ अगर हम पिछले चार क्वार्टर को भी कंपेयर करें तो ट्राइडेंट के अंदर जो सेल्स है और साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उनके अंदर भी हमें शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही साथ अगर हम ट्राइडेंट लिमिटेड के बैलेंस शीट की तरफ भी नजर मारें तो कंपनी के रिजर्व कंटिन्यूअसली बेसिस पर इंक्रीज हो रहे हैं। पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड्स आपके सामने हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ट्राइडेंट के जो रिजर्व हैं वो लगभग 2807 करोड़ रुपए पर पहुंच गए हैं और इसी के साथ कंपनी की जो बोराइंग से वो कंटिन्यूसली बेसिस पर रिड्यूस हो रही है। तो यहाँ पर ये एक एडिशनल पॉइंट कंपनी के लिए निकल कर आता है, जिसके कारण जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी के ऊपर भरोसा जता रहे हैं। साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट ने भी टेक्सटाइल के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर जो स्कीम लाई है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट की तरफ से टेक्सटाइल बिजनेस को हेल्प करी गई है, जिसमें ट्राइडेंट लिमिटेड को उस बेनिफिट का उस स्कीम का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। कंपनी के अगर कैश फ्लो की भी बात करें तो कंपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो अपना कैश फ्लो है वो भी पॉजिटिव काफ़ी शानदार जनरेट कर पा रही है।
और इसी के साथ में अगर ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की तरफ भी नजर मारेंगे तो प्रमोटर्स का स्टेक आपको यहां पर 73% का देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ एफआईआई की बात करें तो एफआईआई भी यहां पर हमें इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं, लगभग 1.60% का स्टेक एफआईआई ने भी ट्राइडेंट के अंदर हेल्ड कर रखा है। साथ ही साथ डीआईआई की बात करें तो डीआईआई ने यहां पर कुछ ज्यादा स्टेक्स कवर नहीं कर रखा है, लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और अदर इंस्टीट्यूशंस भी हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ट्राइडेंट लिमिटेड को अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इसके फाइनेंशियल रिजल्ट को कंपेयर करेंगे तो रेवेन्यू के अंदर काफ़ी शानदार ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम के अंदर भी लगभग 90% की ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर रेशियो की बात करें तो 87% की ग्रोथ और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी 32% की ग्रोथ हमें यहां पर देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल सारी चीजों में ट्राइडेंट लिमिटेड बिल्कुल यहां पर मल्टीबैगर के रूप में निकल कर आ रहा है। और इसी के साथ में अगर हम यहां पर एनालिस्ट की भी माने, यानी कि जितने भी बड़े बड़े फंड हाउसेज हैं ब्रोकरेज फर्म से, वो भी ट्राइडेंट को लेकर काफ़ी बुलिश हमें देखने को मिल रही है। इसी के साथ में अगर यहां पर की मेट्रिक्स पॉइंट्स को भी अगर हम देखें तो ट्राइडेंट लिमिटेड एक एफडी से भी ज़्यादा रिटर्न्स यहां पर अपने शेयर होल्डर्स को बनाकर दे रहा है। साथ ही साथ एक शानदार डिविडेंड पे आउट रेशियो भी हमें ट्राइडेंट का देखने को मिलता है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो अभी बहुत सही समय आपको मिल रहा है ट्राइडेंट के अंदर फ्रेश पोजीशंस बनाने का, क्योंकि एक बार अगर इसके अंदर बड़ा ब्रेकआउट लगता है, यदि कल के ट्रेडिंग सेशन के दौरान वापस हमें अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिलता है और ट्राइडेंट अपने नए 52 वीक के हाई को अचीव कर लेता है तो डेफिनेटली आपको इसके अंदर ₹25 तक का भी टारगेट बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ कोई भी रेड फ्लैग हमें यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है तो ये भी एक एडिशनल पॉइंट कंपनी की तरफ से निकल कर आता है। ट्राइडेंट लिमिटेड के अगर पी रेशो की भी बात करें तो वो भी काफ़ी शानदार यहां से निकल कर आ रहा है। साथ ही साथ यहां पर हम डिविडेंड यील्ड परसेंटेज की भी बात करें तो लगभग 2% का डिविडेंड यील्ड परसेंटेज है। ट्राइडेंट ने पिछले एक महीने में अपने इन्वेस्टर्स को 13.5% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जबकि आपको पता है कि मार्केट अभी बहुत वॉलेटिलिटी के मोड में देखने को मिल रहा है। जितने भी दिग्गज शेयर हैं वो भी हमें यहां पर क्रेश होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इन सब के बीच में अगर आप किसी ऐसे शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो बिल्कुल सेफ हो और जहां आप लॉन्ग टर्म पर्पज से अपनी पोजिशंस को कंटिन्यू रख पाए, तो डेफिनेटली आप ट्राइडेंट को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। इन्हीं सब के साथ में ट्राइडेंट को यहाँ पर जो यूरोप पेटेंट है वो भी यहाँ पर रिसीव हो चुका है, जिसमें फैब्रिक एंड मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिक्स का यहाँ पर पेटेंट कंपनी को मिल चुका है। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कंपनी का इंडिया में ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट का बिजनेस भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है, जिसके साथ इनके जो शोरूम्स हैं इंडिया के अंदर वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हो रहे हैं। टॉवेल बनाने में भी कंपनी ने एक महारत हासिल कर रखी है। इसी के साथ डेली बेसिस पर जो ट्राइडेंट की टेक्निकल रेटिंग है वो भी काफ़ी बुलिश निकल कर आ रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ट्राइडेंट के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर इस शेयर्स के अंदर अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करने की। और अगर आपने अभी तक खरीदारी नहीं कर रखी है तो यहाँ पर मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कल के लिए जो ट्राइडेंट लिमिटेड के लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है वो ₹19.02 का होने वाला है। अगर शेयर इसे अचीव कर लेता है तो कल ही के दिन आपको इस शेयर के अंदर नया 52 वीक का हाई या यूं कहूं कि नया ऑल टाइम हाई भी बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट ₹17.42 का, दूसरा सपोर्ट ₹16.88 का और तीसरा सपोर्ट ₹16.62 का आपको लेकर चलना है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।